हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से दो स्टॉक्स हैं जो कि आप इंट्राडे बेसिस पे या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेसिस पे आप कर सकते हो। बट बेसिकली मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग का नाम दूंगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, उसमें मैंने बताया है कि फायर्स क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, और उसमें बहुत सारी डिटेल्स है। लाइक अब से जो एनालिसिस वीडियो आने वाला है वो कौन सा प्लेटफॉर्म पे आएगा और वो प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या चीज़ें अपॉर्चुनिटी या फिर क्या क्या एडवांटेजेस या क्या क्या लिमिटेशन डिसएडवांटेजेस सारी चीज़ें मैं इसके लिए एक वीडियो डिटेली बना के लिए आपके लिए लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अभी फ़िलहाल इस पर फोकस करते हैं और इस पर देखते हैं कि कौन से दो स्टॉक्स है अभी के फ़िलहाल के हिसाब से मैं बात करूँ। तो सबसे पहले स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि आज जो है 2146.55 पे क्लोजिंग दिया है। तो चलिए इसका चार्ट जो है ओपन करते हैं। तो इस चार्ट पे मैंने आपको समझाने के लिए कुछ इस तरह का जो है हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन यानी कि एंट्री पॉइंट होने वाला है, रेड यानी कि स्टॉप लॉस, और जो ब्लू कलर का आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो वो होगा टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 3। तो हमारा एंट्री जो होने वाला है वो 2141.70 पे होने वाला है, जिसमें आज ऑलरेडी प्राइस इस जोन पे आ चुका था। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग को कल अगर इस लेवल पे आता तो आपको ज़रूर से ज़रूर एंट्री ले लेना चाहिए। और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे मैंने इसमें मेंशन किया है, यहाँ पे 41 से 03.50 तक का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये हमारा जो है बहुत ही सेफ साइड के लिए स्टॉप लॉस मैंने इसको सेट करके रखा है। इसके नीचे जाना तो नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी जाता है तो आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो पे आपको बताया था कि अभी मार्केट जो है काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग पे देखने को भी मिल रहा है। तो परसों जो मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, आप देख भी सकते हो। मैं अगर बैंक निफ्टी का बात करूँ तो ये डेली का चार्ट है, मैं आपको डेली पे ही लेके चलता हूँ। ये देखिए जो किस तरह का बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद से जो है हम लोग यहाँ पे अगेन कुछ इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन थोड़ा सा आएगा। अगर मैं इसका सपोर्ट का बात करूँ, ये देखिए इस ये लेवल को मुझे एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट रिएक्शन कर सकता है ऊपर की तरफ, जिसके लिए हम लोग को वो चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो अगर मैं अभी बात करूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर का, तो डेली के चार्ट के हिसाब से मुझे यही प्राइस पॉइंट पे जो है अच्छा मुझे एंट्री देखने को मिल रहा है 2141.70 पे, और इसका स्टॉप लॉस होगा 2103। पहला टारगेट जो होगा वो 2180.60 होने वाला है, जो कि काफ़ी जल्दी टारगेट हमने देखने को भी मिल सकता है। मे बी हो सकता है कल ही या फिर परसों देखने को मिल जाए, और जो दूसरा और तीसरा टारगेट है वो हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा, जो अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं। चलिए अब दूसरा स्टॉक पे चलते हैं। दूसरा स्टॉक का नाम है मेट्रोपोलिसिस। ये जो है आप देख सकते हो ये एक हेल्थ रिलेटेड ये स्टॉक है, हेल्थ केयर लिमिटेड। ठीक है, मेट्रोपोलिसिस उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल अप कर देता हूँ। देखिए ये किस तरह का यहाँ पे फ़िलहाल के लिए अभी फॉर्म हुआ है, उस बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 ऑलरेडी मैं मेंशन करके रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, उससे जो है आपको पता चल जाएगा कि लेवल अभी फ़िलहाल के लिए क्या है। तो सबसे पहला लेवल जो है हमारा एंट्री पॉइंट होने वाला है 1458.35। यहाँ पे आप देख सकते हो 1458.25 पे अभी प्राइस जो है क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे देखिए इस तरह का जो आप देख सकते हो, जो मैंने तीनों लेवल को यहाँ पे मार्क किया है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 3 होने वाला है। जो भी सेम ये जो है सेम मतलब कल या परसों के बीच में ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बट अगेन आप इसको इस टारगेट को से मतलब पाने के लिए थोड़ा सा बड़ा एक्सटेंड स्टॉप लॉस रखें, मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। जो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंशन किया है उसके हिसाब से ही मेंटेन कीजिएगा। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी देखना होता है, उसके हिसाब से हम लोग जो है ट्रेड प्लान करते हैं और ट्रेड भी लेते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है, इसमें मन दुख करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने पूरी तरह रूल को फॉलो करके ही ट्रेड लिया हुआ है। आपको अगर आप यहाँ पे 100 रुपीज़ का लॉस लेने के लिए रेडी हो तो आपको यहाँ पे 200 भी देखने को मिल रहा है।
तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे लॉस को प्लान करो और उसके हिसाब से आप ट्रेड लो। तो मेरे हिसाब से जो है ये दोनों स्टॉक कल या परसों चलने वाले हैं, तो मैं आपको अपडेट करूँगा जब ये मतलब हमारा टारगेट पहुँच जाएगा, तो उसके पीछे मैं इसका जो है लॉजिक बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने इस पर क्यों ऐसा क्या मुझे मिला, कि इस लेवल पे ही मुझे क्या मिला या फिर इस लेवल पे मुझे क्या मिला, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप जो है लर्निंग प्रोसेस पे हो, बिगनर प्रोसेस पे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट पेपर ट्रेडिंग करो, जो मैंने लेवल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से आपका जो यहाँ पे टारगेट 1 हुआ, 2 हुआ या 3 हुआ, वो हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद मुझे ज़रूर इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर मुझे बताइए कि सर आपका एनालिसिस गलत गया या अच्छा गया। अगर इसमें और कुछ आपको यहाँ पे पॉइंट नज़र आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर उसको पढ़ूंगा और उसको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।